हेलो दोस्तों, मैं अंकित रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसको किए हुए भी आपको 2-3 दिन हो गए हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी, आपने देखा होगा वीडियो। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा जो है आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि देखिए वैसे मैं ना तो कोई बीमार हुआ था ना कुछ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है कि 2-3 दिन से आप नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि एक मॉक टेस्ट कराया था मैंने संडे में, तो वो आप लोगों को भी दे दूंगा मैं, मॉक टेस्ट यूपी पुलिस के लिए, और मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये। ठीक है, एक 2 मैं आपको पहले दे चुका हूँ, एक ये 4 है। और 2 और 4, जिसने 2 भी नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में से देख लेना। आंसर की भी दोनों की साथ में है, 160 क्वेश्चंस के हैं, 40-40 के 4 पार्ट। ठीक है, तो अब तुम कहोगे पहला और तीसरा का है। देखिए, पहला और तीसरा ये हमने बस ऐसे ही ले लिए थे यहीं लोकल बेसिस पे कोचिंग सेंटर पे, है ना। पहला और तीसरा इनको आप छोड़ दो, ये हमने 100-100 क्वेश्चन के जनरली ऐसे ही करा लिए थे। तो वो कोई बेस, वो मतलब पूरी तरह से जो बेस्ड है वो चौथा और दूसरा ही है। इन दोनों को आप कर लीजिएगा ना। अब 15 दिन बाद एक और 5वां भी अपलोड कर देंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो आपकी ये प्रैक्टिस भी हो रही है, खुद को जांचिए कि आप कहाँ पर हो, दूसरे में आप कहाँ पर हैं और चौथे में आप कहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनमें बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, पेपर भी बनाना है, चेक भी करना है, मेरिट भी तैयार करनी है, बच्चे कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका बताना भी है रिजल्ट, तो बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक हो जाता है ना। और साथ में मुझे अपनी ऑफिस भी देखना है, मतलब जॉब भी करनी है, तो भाई ये तो थोड़ा मुश्किल तो है ही। तो आप थोड़ा सा तसल्ली रखा करो, मैं हूं लेट, मैं मानता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा आपको अप्रैल के एंड तक, आपको प्रॉमिस कर रखा है, तो अप्रैल के एंड तक सब कुछ कवर कराने की। ठीक है, तो इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा वीडियो है, बहुत ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस आपको एक बार दिखा देता हूँ, निगाह मार लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ चक्रवर्ती ब्याज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप आरएस अग्रवाल के ज्यादातर क्वेश्चंस को हल करने में सफल होंगे, अगर आप पहला दूसरा वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो इसमें मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ए और बी एक्सरसाइज, साथ में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका ना रहे। ठीक है, तो हालांकि बहुत लोग पूछते हैं जी ये यूपी का लेवल है, इससे मुश्किल तो नहीं आएगा। भाई देखो, मैं कह रहा हूँ ये यूपी पुलिस का लेवल नहीं, यूपी पुलिस आप सब इंस्पेक्टर का दे लो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का दे लो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दे लो, जहां भी अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक यहाँ से अलग कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बस संख्याएं चेंज होंगी, कहीं भी हो, रेलवे में हो, कुछ भी हो, हर जगह यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, राशि आपको दी है और परसेंटेज आपको दिया है किस परसेंट की दर से, है ना। तो फिर इसको तो आप कह रहे हो जी हम पे साधारण ब्याज भी आता है निकालना और चक्रवर्ती हमने पहले वीडियो से सीख लिया है। ठीक है, जिसने नहीं देखी वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वहां से देख लेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अगर बताने लगूं इसका साधारण ब्याज निकालना, चिंता मत करिए मैं आप वाले तरीके पे भी आऊंगा जो आपने सीख रखा होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी और ये आ जाएगा आपका 100 रुपए। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप चक्रवर्ती ब्याज निकालने लगे तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है चक्रवर्ती ब्याज का, कि आप ब्याज का कोई फॉर्मूला हमके चक्रवर्ती में नहीं होता, कि आप मिश्रधन निकालेंगे पहले, 1000 का 5% की दर से मिश्रधन 2 साल का, उसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो मिश्रधन में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 00 10 और कट जाएगी, 5 से ये 21 बार, 5 से 2 बार, और 21 पंजे 105 गुना कर ही लेता हूँ, 21 पंजे 105 और 10 हासिल का, सॉरी 1 हासिल है, 21 एकम 21 और 2205 बटे 2, अगर भाग दू तो 1102.5 आएगा। इसमें से 1000 माइनस कर दूंगा तो 102.5 रुपए आ जाएगा, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का ये ब्याज आ जाएगा, है ना, 1000 माइनस करने से, मूलधन माइनस करने से,
इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है, 102.5 माइनस 100 बराबर बराबर आपका 2.5 रुपया, उत्तर है इस सवाल का 2.5 रुपया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा कि ऐसे हम कर तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको इसका अच्छा तरीका बताता हूँ, क्योंकि 3 साल के में और फिर मुश्किल कैलकुलेशन होंगी, है ना। तो फिर हालांकि आपको एग्जाम में 2 वर्ष का पूछा जाता है, 95% आपको 2 वर्ष का ही पूछा जाएगा, ठीक है, पर 5% में 3 वर्ष का भी आ जाता है ना, तो 3 वर्ष का भी तुम कहो 4, ऐसे तो भाई देखो आपकी गिनती खत्म होगी ही नहीं। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज 4 का निकालना कितना मुश्किल पड़ता है, और वो भी फिर अंतर निकलवाओ, तो भाई इतना बड़ा सवाल नहीं आता है। तो 3 साल मैक्सिमम, मैंने तो कहीं किसी किताब में भी 4 साल का नहीं देखा, तो 3 साल का या 2 साल का कभी एग्जाम में तो आने का मतलब ही नहीं है 4 साल का, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं अब आपको इसको करना तो आ गया होगा अपने सिंपल तरीके से, लेकिन जो मैं अभी इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, उसको गौर से सुनिएगा, अब आपको ट्रिक भी बहुत आसान लगेगी। देखिए बड़ी सिंपल ट्रिक है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। तुम कहोगे जी हम क्यों लगाए, हमें तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे ही कर लेंगे जैसा आपने पहले बताया। भाई देखो यहाँ पे 1000 की जगह राशि हो सकता है पूछ ले तुमसे, और आपको क्या दे दे, डिफरेंस दे दे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब अंतर तो आपको दे दे और ये पूछ ले, तो फिर आप कैसे करोगे, उस तरीके से आप फेल हो जाओगे। तो फिर आपको ये ही लगाना पड़ेगा, इसलिए आप इसी से करो उस सवाल को, ठीक है। सवाल कैसा है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा सवाल है, आसान ही है, बस ये सवाल आपको ये ट्रिक याद रख लीजिए। ये क्या है, डी मतलब अंतर, जितना अंतर है यहाँ रख दो, है ना, अंतर निकालना है। तो आप इन चीजों को, दो चीज देगा कोई सी भी, या तो मूलधन और दर देगा, या अंतर या दर देगा तो मूलधन आ जाएगा। तो आपको ये गुणा का निशान होता है, कुछ नहीं है तो बीच में डी चाहिए, अंतर चाहिए। तो डी बराबर पी, पी कितना है मूलधन, पी है मूलधन 1000 गुणा आर कितनी है दर, 5/100 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार कर दो। तुम कहो जी 3 वर्ष के में 3 कर देंगे, नहीं अभी आप इतनी जल्दी मत करो, 3 का भी बताने वाला हूँ, कुछ और भी चेंजेस आएंगे। तो ठीक है 00 से 00 काट दीजिएगा, और फिर 5 × 2 = 10, और 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 रुपया। देखिए कितना आसान हो गया सवाल, है ना। तो इससे थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा ना, आपको चक्रवृद्धि के चक्कर में पड़ना पड़ेगा ना जो है साधारण के चक्कर में। अगर ये 3 वर्ष का आ जाए, देखिए हालांकि सवाल 2 वर्ष का ही आ जाता है 95%, अगर 3 वर्ष का हो अंतर तो फिर क्या करते हैं, फिर भी सेम ही, देखिए फॉर्मूला तो वही लिख रहा हूं मैं, अब भी आप देखो बिल्कुल वही फॉर्मूला है यहां तक कि नहीं है, तो यहां तक सेम फॉर्मूला रहेगा, बस एक नेक्स्ट ब्रैकेट और आ जाएगा उसमें लिखा रहेगा, क्योंकि 3 वर्ष की बात है तो 3 कहीं तो कहीं ना कहीं तो चमकेगा, तो यहाँ चमक रहा है, यहाँ 2 ही रहेगा, ये ध्यान रखना, बीच में गुणा का चिन्ह, 3 + r/100, बस ये है। अब p यहाँ रख देना, r यहाँ रख दोगे, मान लो 5/100 × 5/100, और यहाँ रखना है 3 + 5/100, कैसे जोड़ेंगे, 100 + 300 और 5 जुड़ जाएगा, 305/100। इस ब्रैकेट के लिए सिर्फ 305/100 कर दूंगा मैं, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। तो 2 वर्ष आए या 3 वर्ष आए कोई समस्या नहीं। अब जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस ट्रिक के ऊपर, है ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ट्रिकों के ऊपर। तो आप कम से कम 5-7 सवाल जरूर निकाला करो, एक अगर मैं कोई ट्रिक बताता हूँ, हालांकि मैं कम बताता हूँ, पर फिर भी मैंने आपको बोला था साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज, और मैं लाभहानि में ट्रिक पर थोड़ा सा जोर देता हूँ, क्योंकि भाई ये ट्रिक से कभी कभी बहुत आसान हो जाते हैं सवाल, है ना। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 3500 रुपए है, और आप इसको ट्रिक मान के मत हल करो, जैसे आपने साधारण ब्याज का रख रखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उस फॉर्मूला ही तो मानते हो भाई, फॉर्मूले भी तो ट्रिक ही होते हैं, तो ये फॉर्मूला ही समझ लो, अंतर का फॉर्मूला है। क्या है फिर से बोलो, डी बराबर पी आर बटे 100 का स्क्वायर, है ना। तो अब आप इसको देखिएगा, ये 2 वर्ष का ही है, फॉर्मूला लिखो ना, डी बराबर बार बार बोलो पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। अब d का मान रख दीजिए ना 35, और p का मान रख दीजिए ना क्या है, p तो पूछा है ना मूलधन, और r कितना रख दूं 5/100, कितनी बार, 2 बार रख दो ना फिर। अब अगर ये p यहाँ है तो भाई p इधर ही छोड़ दो
और ये जो पूरा सामान है इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो 35 तो इधर अपनी जगह पे है, और इधर से जब इधर लाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, मतलब तिरछी गुना, 100 नीचे के हैं तो दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और पांच पांच फिर नीचे आ जाएंगे, दोनों पांच नीचे आ जाएंगे, देखो कितना बढ़िया कटता चला जाएगा, 5 7 35, 5 से 20 बार, 20 7 140 के आगे 2 0, तो ये 14,000 रुपए इतना आसान हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपको, बस मेरे साथ करते तो रहो आप, आपको मुश्किल छोड़ूंगा ही नहीं पूरे चैप्टर में कुछ भी, है ना, तो आप खुद भी करो प्रैक्टिस साथ में। अब देखिए फिर से एक सवाल लिख दिया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही तो लिख रहा हूँ भाई इतने, नहीं तो मैं तो देखिए डी बराबर, क्या ये वही सवाल लिख दिया क्या मैंने दोबारा, अरे भाई ये तो सेम ही सवाल लिख दिया, कोई नहीं दोबारा आप प्रैक्टिस कर लो भाई, नौ ही है फिर तो सवाल, दस है ही नहीं। तो चौथा क्वेश्चन, अब जरा 3 वर्ष का ले लेते हैं, 2 वर्ष के बहुत हो गए है ना, अब 3 का फॉर्मूला बताइए, 3 वर्ष का लिख देना, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का सी आई माइनस एस आई, डी मतलब अंतर, पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 3 प्लस आर अपॉन 100, एक ब्रैकेट और आ जाएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, डी की जगह 620 रख दीजिएगा अंतर, है ना, पी का मुझे मान निकालना है, और आर का मान क्या रख दूं, 10 बटे 100, 10 बटे 100 कितनी बार कर दूं, 2 बार, है ना, और इसको एक तरफ से सॉल्व कर लो, 3 प्लस 10 बटे 100 को कैसे सॉल्व करोगे, 100 तिया 300, 300 में 10 जुड़ जाएगा, ऐसे ही कर देते हैं, 100 तिया 300, ये समझो प्लस है ही नहीं है, 3 सही 10 बटे 100 है, तो कैसे करोगे, 100 तिया 300 प्लस ये करता हूँ, 310 बटे 100 है कि नहीं है वो, है ना, तो फिर तो अब ये पुराना सवाल बन गया, तुम कहो जी हम तो 0 काटेंगे, तो तुम्हारी मर्जी है भाई काट लो फिर, है ना, तो अब पी इधर ले आओ, पी इधर तो 620, पी तो अपनी जगह पे है, ये जो नीचे के जितने भी 10 10 बच रहे हैं, बाकी 0 तो कट गई, तीनों 10 को ऊपर पहुंचा दो, और ऊपर क्या क्या बचा, 1 1 31, 1 1 को लिखने का फायदा नहीं है भाग में, है ना, 31 2 62 20, और 20 के आगे 3 0 रख दो, तो 20 के आगे 3 0 रख दिया, रुपया कितना हो गया, 20,000, तो पी आ गया, मूलधन आ गया, कोई समस्या नहीं है, आप मुझे बताओ तो सही, कुछ भी दिक्कत आ रही हो अगर आपको, तो अब आप पांचवा क्वेश्चन देखिए, अंतर के तो बहुत सवाल कर लिए ना, अब हमने साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पे तो नहीं अटकोगे ना, 2 साल का आ जाए या 3 साल का आ जाए, 3 मैक्सिमम आ सकता है, 2 तो बहुत पूछा जाता है ना। अब मैं पांचवें क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 5,000 रुपए का 1 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए भाई एक बात और मैं कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो एक लाइक का बटन होगा उस पर अंगूठे पे तो मार दो, वरना बाद में भूल जाओगे आप, है ना, और भाई एक शेयर का भी होता है, कम से कम एक दोस्त को डेली शेयर किया करो, कम से कम जो आपका बिल्कुल करीबी हो, कम से कम, ये मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए, उसके लिए नहीं, मेरे लिए मान लो, है ना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर करोगे शेयर, है ना, तो 5,000 रुपए का 1 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा। ये तो भाई साधारण ब्याज आया ही नहीं इसमें, तो तुम कहो जी ट्रिक लगाएंगे, भाई क्यों लगाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज होते हैं वही तो ट्रिक यूज करते हो, ऐसा थोड़ी कहीं भी ठोक पेल बजा दोगे तुम, है ना, तो ये थोड़ी होता है। अब जरा देखो तो चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देखना, दोनों ही चक्रवर्ती ब्याज है, कौन से चक्रवर्ती ब्याज, अभी तो बताया तो है ही नहीं, जबकि ब्याज एक बार वार्षिक दर है और एक बार छमाही देय है, तो छमाही देय पर ब्याज कुछ अलग आता है, क्योंकि दर आधी करेंगे समय दुगना करेंगे वो छमाही देय होगा, और जो डेट पे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे वो वार्षिक देय है, तो मैं पहले वार्षिक देय पे निकाल लेता हूँ, बाद में उन दोनों को घटा दूंगा, तुम कहो जिसका भी कोई ट्रिक, भाई ऐसे थोड़ी हर चीज की बनती है ट्रिक, तो वार्षिक देय 5,000 डेढ़ वर्ष का, वार्षिक से निकाल रहा हूं मैं, 4% है, तो 1 वर्ष के लिए तो ये रहा, आधा वर्ष और बच गया, तो दर कितनी होगी आधे वर्ष के लिए, 2%, तो 2% के लिए 102/100, तो ये 1 वर्ष और ये आधा वर्ष। फर्स्ट वीडियो में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर की है मैंने कि ये कितना हो जाएगा, क्यों हुआ 102, है ना, अगर ये मान लो ये 1/3 होता, मतलब ये 1 साल 3 महीने होता, 1 सही 1/4 होता, 1.25 साल होता, तो चौथाई वर्ष तो चौथाई दर हो जाती, तो 1% होती, फिर 101/100 करते, है ना, तो अब आपको समझ में आ रहा है ना,
तो अब देखिए, 2 जीरो तो कट जाएगी, एक और भी कट जाएगी, 5 दूनी 10 भी कट जाएगा, 2 से ये 51 बार, और 51 की इसमें गुणा तो कर सकते हो, ये तो बड़ी बात नहीं है। जो कुछ आएगा 5,000 घटा देना, ब्याज कैसे आएगा, -5,000, ये ब्याज आ जाएगा, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, कब, जब वार्षिक देय है। अब छमाही देय देख लो, छमाही देय निकाल लोगे ना इतना, तो भाई गुणा कर लेना ना 104 और 51 की, उसमें से 5,000 माइनस कर लेना तो सीआई आ जाएगा जब वार्षिक देय है, तो यहाँ जो ब्याज आएगा वो निकाल लो, है ना, मुझ पे मत करवाओ इतना काम। तो 5,000 रुपए, फिर से अब छमाही देय पे कर रहा हूं, तो देखिए छमाही देय में क्या होगा, 1.5 साल में कितनी छमाही, 3 छमाही, तो 3 बार करूंगा जो भी काम करूंगा। 4% दर है वार्षिक, तो 6 महीने के लिए कितनी होगी, 2%, तो 102/100 कितनी बार होगा, 3 बार, क्योंकि 3 छमाही है, 3 छमाही है 1.5 साल में। अब आप इससे क्या निकलेगा आपका, देखो ना 0 एक और कट गई, है ना, और भी काट सकते हो आप, भाई और तो मैं नहीं काटूंगा, है ना, मुझे बढ़िया नहीं लग रहा और काटना, 5 दुनी 10 लो काट ही लेता हूँ इतना, तो 21 अभी बचा 100, देखो 21 102 102 की मल्टीप्लाई कर देना, 100 का मतलब है 2 अंक बाद पॉइंट, 0 आए तो 0 काट देना, 0 आएगी नहीं वैसे तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना, ये ज्यादा आसान कैलकुलेशन है। तो अब उसमें से फिर 5,000 माइनस करना ही करना है 5,000, तो फिर ये सीआई आ जाएगा दोबारा। इन दोनों का अंतर बताना है आपको, इन दोनों का, वार्षिक दे जो चक्रवर्ती ब्याज है, छमाई दे जो चक्रवर्ती ब्याज है, उन दोनों में कितना अंतर होगा ये पूछा, ठीक है। तुम कहो जी तुम बड़ा हो गया क्वेश्चन, भाई इतना तो बड़ा बनेगा, अब क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा काम तो आपको करना पड़ेगा, नाम भी तो चक्रवर्ती ब्याज है ना चैप्टर का, तो कैलकुलेशन के लिए मशहूर चैप्टर है ये थोड़ा सा, है ना, आपके गुणा भागों को बहुत अच्छा करा देगा अगर आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं तो। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 102 रुपए है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज बताओ। अब देखिए ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगता है, देखिए आपने ऐसा साधारण ब्याज में भी पढ़ा था मिश्र धन वाला, क्योंकि साधारण ब्याज में कोई मिश्र धन के लिए आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं था, है ना, मूल लाते थे या मूल ब्याज लाते थे तब दोनों को जोड़ सकते थे, एक तो ये तरीका था। पर अगर सवाल में मिश्र धन ही दिया हो तो 100% का तरीका अपनाते थे कि नहीं, ऐसे ही यहां करूंगा। तो अगर चक्रवर्ती मिश्रधन आप निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो, समय निकालना पिछले वीडियो में बताया, लेकिन ब्याज कैसे निकालते हैं या ब्याज दिया हो सवाल में तो क्या करेंगे। देखिए अब तक एक भी सवाल नहीं आया जिसमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हो, ठीक है, पहला सवाल है। तो अगर ऐसा सवाल हो तो 100% के तरीके से करना सिखाऊंगा आपको मैं। 100% मतलब क्या होता है, मूलधन होता है भाई 100%, है ना, और ये तो ब्याज है, वहां तो होता था साधारण ब्याज वालों में ये मिश्र धन, तो फिर 100+ करते थे, लेकिन यहाँ 100+ थोड़ी करेंगे, तो ब्याज है। तो अगर साधारण ब्याज होता ना 4% पहले साल, 4% दूसरे साल, 2 वर्षों की दर हो जाती 8%, तो 8% बराबर रख देता इसको, समझ में आई ना। तो ये कह रहा है ना उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए, तो उसी धन का मतलब ये जो धन था, ठीक है, उसी दर से 4% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, मतलब 4% पहले साल, 4% दूसरे साल, 8% का मान पूछना चाह रहा है, 8% का मान, इस बार मूलधन नहीं पूछा, मूल पूछे तो 100% का मान, अगर कह रहा उतनी अवधि उतना ही समय के लिए साधारण ब्याज, तो 4 दुनी 8, 3 वर्ष होते 4 12% का मान पूछना चाह रहा है। तो 8% कहां से आया ये, अरे भाई कह रहा है ना उतनी ही दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो पहले साल भी 4% और दूसरे साल भी 4%, तो 8% का मान निकाल लो। या तुम्हें ये बात मुश्किल लग रही है तो मूल निकाल लेना, इसी दर से दर ये री, इतने ही समय का ये रहा समय, तो साधारण ब्याज निकाल देना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट 8 का मान निकाल दो, फिर आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आप देखो पहले क्या करोगे, सबसे पहले ये 102 दिया है ना, ये जो 102 दिया है ये कितने परसेंट के बराबर रखोगे, फिर मुझे बस 8% का मान निकालना है, बस मुझे ये पता लग जाए कितना परसेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका। तो आप देखो कि देखिए 4% है पहले साल, तो पहले साल तो साधारण हो चक्रवर्ती हो सब बराबर होते हैं, तो पहले साल तो ये,
जब आएगी दूसरे साल की बात, तो पहले साल तो ब्याज चक्रवृद्धि 4% ही रहेगा, लेकिन जब दूसरे साल आएगा ना, तो 4% भी, 4% की जो दर है ना, वो 4% नहीं रहेगी, कुछ बढ़ जाता है ना पैसा, तो वो 104/100, मतलब ये दर जो 4 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम कहो रहती तो 104/100 ही करते हैं। भाई 104 का फिर से यही तो किया हमने, भाई 104 जैसे हमने लिया शुरू में, तो इसका फिर 104/100 ही तो किया, तो वही तो किया, ये दर बढ़ी है तभी तो किया, तो वही कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये 8% दर आए तो 108/100, अगर ये 3 वर्ष होते सोचो कोई, तो प्लस 4 तो रहेगा ही, 104/100 2 वर्ष का, यहाँ इसके साथ 104/100 एक बार और ले देता प्लस कर। ठीक है, तो अब इतने परसेंट बराबर 102 रुपए रखते हुए आप, तो क्या ये तो बड़ा मुश्किल है। एक और भी अच्छा बताऊंगा, आप देखते तो रहिए। तो आप देखो ये 4% प्लस, इनकी गुणा करना जरा, ये 416/100। ठीक है, तो बराबर 102, इसको रखते रहिए, तो ये तो पॉइंट हटा, ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कुल मिलाकर 4.16 हो गया है, ये 4 है, तो 8.16% बराबर 102 रुपए। ठीक है, इतने परसेंट बराबर 102 रुपए, और साधारण ब्याज होता तो 8% ही रहता, चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये 8.16% हो जाएगा। अब आपको 8 का मान निकालना है बस, तुमको मूलधन निकालना हो तो 100 का मान निकाल लो, तो मैं 8 का मान निकालना चाह रहा हूँ, जब उतनी ही दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज पूछा है, तो 8.16 का भाग दे दिया, 1% का मान आ गया, और मुझे क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज तो 8% है, 8% बराबर 1 के मान में गुणा कर दो 8 की, ये आ गया साधारण ब्याज। पॉइंट हटाओ, 00 लगा दो, और 8 से ये कटता है, 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 दुनी 16, और 102 से ये सीधा सीधा 100 बार कटेगा, उत्तर आ गया 100 रुपए, साधारण ब्याज 100 रुपए। तुम कहो बड़ा मुश्किल सवाल है जी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अभी सिखा रहा हूँ इसका एक और शॉर्ट तरीका, कि 102 बस ये लाने में ही तो दिक्कत है, आगे तो कुछ भी नहीं है भाई, बस इस लाइन की तो दिक्कत है। अगर आपको ये मिल जाए ना, फिर तो 1% सीधा, और तुम्हें फिर तो साधारण ब्याज चाहिए तो 8% का मान, और अगर आपको मूलधन चाहिए तो यहाँ बस 100 की गुणा हो जाएगी, कुछ नहीं करना। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये लाइन कैसे ला सकते हो आप डायरेक्ट, तो देखिए डायरेक्ट आप इसकी इसमें गुणा कर देखो, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब कर रहा हूं ये बात, 4 दुनी 8 पॉइंट, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16, ये हर सवाल में फिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप 8% का मान फटाफट निकाल दोगे आप। ठीक है, लेकिन ये 2 वर्ष के लिए ही मान्य है, तो क्या 3 वर्ष के लिए क्या है भाई, फिर ऐसे ही करना, पर ये सवाल आपको 2 वर्ष के ही मिलेंगे बुक्स में, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो ये आ गया, अब 1% 102/100 और गुणा 8 अगर साधारण ब्याज चाहिए। एक प्रैक्टिस के लिए सवाल लिखा है, जरा देखिएगा, 8 दुनी 16, 16.8 का वर्ग 64% बराबर 2080, चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल ऐसे ही रखोगे कि नहीं, आप इसको अगर हल करना चाहते हो उसकी तरह, 8 प्लस 8 गुणा 108/100 को सॉल्व करोगे ना, तो जुड़ के यही आएगा 16.64। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, ये कैसे लाता हूं मैं, बराबर 2080 रखते इसके भी। अब मुझे मान कितने का निकालना, पहले देखो इसी धन का इसी दर से, तो 8% दर से इतने ही समय का 2 वर्ष का, तो 8% पहले साल, 8% दूसरे साल, 16% होगा साधारण ब्याज, उसका मान चाहिए। तो जब इतने का मान इतना है, तो 1% का बता दो मुझे, 2080/16.64, और गुणा ना कर दो यही सीधा, 16% का मान ये आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया सीधा सीधा, बताओ इतना छोटा हो गया सवाल। पॉइंट हटाओ, 00 लगा दो, 16 से कटेगा 104 बार, 16 कम 16, 6 उतारेंगे ना जाने की 0, 16 चौके 64, 104 दुनी होते हैं 208, और 3 जीरो जो की 14, तो 2000 रुपए साधारण ब्याज हो गया उत्तर। बताओ इससे आसान क्या मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तुम कहो जी मूल तो बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, ये 16 है ना, इसको 100 की गुणा कर देना, तो आपका मूल आ जाएगा, समझ में आ गई ना बात। चलिए, तुम कहो जी मूलधन तो और भी तरीके से निकाल सके हम, अब भी निकाल सके,
2000 ब्याज हो गया साधारण, कितने साल का दर एरी, समय एरा, मूल बराबर, फॉर्मूला लगा दो। तुम क्या आ रहे उसके चक्कर में क्यों पड़ेंगे जब यही 100 की गुना हो रही है, ये तो करेंगे फिर वो मूल निकालेंगे, बड़ा पड़ेगा खामा खा, यहाँ 100 की गुना करने में क्या जोर पड़ रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है भाई कैसे भी कर रहा है। अब आठवें क्वेश्चन पे आ रहा हूं, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपए है चक्रवर्ती। देखिए मैंने आपको अब तक सब कुछ बताया, समय निकालना, कैसे दोनों का भाग दे देते थे, वर्ग बनेगा या घन बनेगा, और कुछ भी नहीं बनेगा तो वहां 1 वर्ष का समय। ठीक है, तो आप समय निकालना सीख गए थे। मिश्र धन तो डायरेक्ट फॉर तरीका ही था, 110/100 अगर दर 10% है तो मूल 100/110 100/110 उल्टा कर देते थे तो मूल भी आ जाता था, मिश्र धन भी आ जाता था, समय भी आ जाता था। ठीक है, चाहे समय आप 2.5 वर्ष का दिया हो, छमाही दिया हो, तिमाही दिया हो, सब हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आज जो हमने सीखा है अंतर वाले सवाल सीख लिए सारे, है ना, अंतर कैसा भी आ जाए और चक्रवर्ती ब्याज दिया हो तो क्या करते हैं, तो अभी सीखा 2 सवालों में ऊपर, है ना। और अब जो बच रहा है सिर्फ दर निकालना और सीखना है, तो दर नहीं सिखाई है मैंने अभी, है ना, तो दर और सीख लेते हैं, आज का काम यही है आपका, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो दर 2-3 तरीके से निकाली जाती है, एक टाइप आज लिख रहा हूँ, एक टाइप नेक्स्ट थर्ड वीडियो में है, और उसमें किस्त वाले क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज के। ठीक है, और कुछ नहीं है बस उसमें, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपए, तो ब्याज की दर बताएं। तो दर बता देता हूं दोस्तों आपको, ब्याज की दर देखिए कितना आसान लगेगा आपको, जब भी ऐसा सवाल आएगा दर वाला है ये सवाल, अब तक नहीं आया दर वाला, तो साधारण ब्याज भी देगा चक्रवर्ती ब्याज भी देगा, तुम कहो इससे अंतर वाले से नहीं कर सकते सर, तो देखिए मैं अंतर वाले से मैंने भी कोशिश की, मैं सोच रहा हूँ कर ही लेता हूँ, शुरू में जब मैं सीखता था मैं भी सोच रहा था कि इससे ही कर लेंगे, कि अंतर 9 रख दो बहुत बढ़िया, और पी तो वही है ही नहीं और ना दर है, तो फिर करेंगे क्या, दो चीज तो पता हो कम से कम, इसलिए आप इसमें फंस जाओगे, तो इससे इसको नहीं कर सकते, फिर हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा इसके लिए। तो बस ये चेक कर लेना कि ये जो साधारण ब्याज है और ये चक्रवर्ती ब्याज है, ये दोनों बराबर समय के होने चाहिए, ये 2 वर्ष का है तो ये भी 2 वर्ष का होना चाहिए, ये 3 का है तो ये भी 3 का होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक 2 का हो एक 3 का हो फिर आप नहीं कर सकते, तो पहले आप इसको देख लीजिए, मैंने वो भी लिखा है 2 और 3 का भी, अभी समझाऊंगा आगे। तो दर बराबर दोनों ब्याजों का अंतर, यानी अंतर क्या, सीआई तो हमेशा बड़ा होगा, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, सीआई माइनस एसआई बटे 1 वर्ष का क्या एसआई, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, और गुणा क्योंकि दर निकाल रहे हैं तो 100 की गुणा तो होगी, अंतर तो एकदम दिख जाएगा आपको, 129 - 120 = 9, और 1 वर्ष का साधारण बताओ मुझे, 2 वर्ष का 120, तुम कहो 1 वर्ष का साधारण क्यों लिया, चक्रवर्ती क्यों नहीं लिया, भाई चक्रवर्ती हर वर्ष का बराबर नहीं होता, पहले वर्ष का हो सकता है 60 हो, दूसरे का 69 हो, तब जाके बने 129, है ना, लेकिन ये जो पहले का होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, वही चौथे का, तो ये 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना होगा 60 होगा, हर वर्ष का 60 ही रह जाए और गुना सर, इसलिए नीचे उसको लेते हैं साधारण। तो समझ में आ गई होगी बात, 0 से 0 काट देता हूं, और क्या काट सकते हो, 3 * 9, 3 * 6 और 2 * 5 = 10, तो 15% दर आपका आंसर है। तुम कहो जी मूलधन अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे, मूलधन भी पूछ लेता है, तुम कहो अब तो इसमें भी रख सकते हैं, 15 रख लो यहाँ, पी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है कि 2 वर्ष साधारण ब्याज, समय दर, मूलधन का फॉर्मूला लगाओ ना डायरेक्ट, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। ठीक है, ओके, देखिए तो ये देखिए 9वां और 10वां क्वेश्चन बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं मैंने। देखिए तुम कहो जी इसमें धनराशि कैसे निकालेंगे, देखिए इन सवालों में जहां भी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दिए होंगे आपको दोनों, है ना, या तो वो अंतर वाला क्वेश्चन आएगा, वो तो आपको साफ है, वो तो अंतर देगा उसमें। ठीक है, और जहां भी ऐसा देगा वहां पहले दर निकालनी पड़ेगी, तो दर निकालिए ना, दर कैसे निकलता है, दोनों ब्याजों का अंतर बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, खुद करके देखिए ना इसको, पहले 450 तब मेरा देखिएगा, और गुणा 100। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कट गई
नौ छक्के नौ पंजे और पांच से दो बार, तो 12% जब दर आ गई, दर ये रही, साधारण ब्याज ये रहा, समय ये रहा, मूलधन का फॉर्मूला साधारण ब्याज वाला लगा दीजिए ना, क्योंकि वो लगा सकते हैं क्या? अरे भाई सब कुछ साधारण क्यों नहीं, मूलधन तो दोनों का एक ही है, साधारण हो या चक्रवृद्धि, किसी धन राशि पे बात कर रहे हैं ना, तो मूलधन तो दोनों का सेम है। तो ब्याज गुणा सौ, ब्याज 900 गुणा 100 बटे बटे समय गुणा दर, तो वो समय गुणा दर, समय कितना 2 और दर कितनी अभी तो आई है 12, तो ठीक है हो गया काम। तो चलिए ना 12 7 84, 6 12 5 60, 2 से 50 बार, और करिए गुणा 5 5 25, 5 7 35, 2 3750 रुपए आंसर। ठीक है, तुम कहो हम तो डी बराबर पी आर बटे 100 से भी तो कर सकते हैं इसको, इससे बिल्कुल कर सकते हो। पी आप कितना, पी तो बताना है, आर 12 बटे 100, 12 बटे 100, और डी रख देना कितना, डी है 54, 54 12 बटे 100 है, 100 बटे 12, 100 बटे 12 हो जाएगा, और आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सीधा यही आएगा 3750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तुम कहो जी इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, करके देखो ना पहले, यहाँ फंसोगे आप। 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 153, तो फिर क्या करेंगे भाई? अरे यार ये 2 वर्ष का है तो ये भी 2 वर्ष का होना चाहिए, ये 3 का तो ये भी 3 का होना चाहिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कि चक्रवृद्धि में कोई चेंज मत करना कभी भी, तो जितने का चक्रवृद्धि हो साधारण को उतने का ही बना देना, क्योंकि साधारण बना सकते हो, चक्रवृद्धि को नहीं बना सकते, पता ही नहीं होगा पहला कितना होगा, दूसरे वर्ष कितना बढ़ जाए, क्या पता है इसका, जब तक दर नहीं पता। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 3 वर्ष का है ना ये, तो तीनों साल बराबर रहा होगा, तो 1 वर्ष का बताओ, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना होगा, 3 का भाग दे दीजिए, तो 75 रुपए होगा 1 साल का। ठीक है, भाग दिया तो 75 रुपए 1 साल का ऐसा ही होगा। अब ये 2 साल का है तो इसको भी 2 साल का बनाओ, तब अंतर देखना। तो दर निकालने के लिए जो हम अंतर देखते हैं ना दोस्तों, सीआई माइनस एसआई, तो ये देखिए 2 वर्ष का एसआई निकालूंगा पहले, 2 वर्ष का एसआई साधारण ब्याज, 75 1 साल का है तो 2 वर्ष का होगा 150, 150 होगा कि नहीं होगा तब देखना अंतर दोनों का, कितना है 3 बटे 1 साल का साधारण 75 और गुणा 100, 25 चौके 25 3 3 से 3, दर आ गई 4%। ठीक है, अब तो आप मूलधन बड़े आराम से निकाल लेंगे, निकालिए ना, तो मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, तो ब्याज 225 ले लो, कुछ भी ले लो, 225 लोगे तो समय 3 ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्याज निकालते टाइम तो, और बटे समय गुणा दर, समय 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 225 ब्याज लिया है, और गुणा दर 4, 3 से 75 बार, 4 से 25 बार, कोई समस्या नहीं है, 25 75 की गुणा 25 5 125, 25 7 175 और 12 187, 1875 रुपए मूल आ गया। ठीक है, या डी बराबर पी आर बटे 100 से निकाल सकते, क्योंकि अब तो डी भी पता है 3 वर्ष का अंतर है दोनों में। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, इसको अगर ये 4 वर्ष का भी दे देना तो भी आपको 2 वर्ष के साथ ही तुलना करनी है, आप 3 से तुलना नहीं कर सकते, इन दोनों को घटा जाएंगे, हम गलती ये करते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना, अब आगे से 2 साल का साधारण बनाना, चक्रवर्ती में कोई चेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक दर नहीं पता। ठीक है, ओके बाय बाय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उन सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचा देना जो आपके दोस्त हो, इससे मेरा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे जितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मुझे एक एक की बहुत खुशी होती है, मेरे लिए एक एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक की बात कोई मेरी समझ में नहीं आती है, मतलब मेरी बात किसी एक को भी समझ में नहीं आती है, तो मैं उसको पूरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो अपना मिशन टूटा, तो भाई अपनी तो वो है। तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा वीडियो आपका आएगा साधारण ब्याज का, तब चक्रवर्ती ब्याज का दूंगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।